कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी टेक्नोलॉजी और साइंस की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर है, कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में स्थित है। ये मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। ये मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमय है, उतनी ही रहस्यमय इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे, जबकि वैज्ञानियों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काट कर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करें तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्य द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। मंदिर को लेकर जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकुल के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलानाथ से प्रार्थना की कि वो राजा को स्वस्थ कर दें। उनके स्वस्थ होते ही वो मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेंगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। मान्यता है कि इसे पारलौकिक शक्तियों ने बनाया है। कैलाश मंदिर ऐसा बनाया गया है जैसे एक एक मूर्ति जीवित है। कैलाश के भैरव की मूर्ति जितनी भयानक है, पार्वती की उतनी ही स्नेहशील है। यहाँ सबसे मनमोहक दृश्य है रावण का कैलाश पर्वत उठाना। ऐसे लगता है जैसे साक्षात रावण ने कैलाश उठाने के लिए अपनी भुजाएं फैलाकर कैलाश के तल को जैसे घेर लिया है और इतने जोर से हिलाया है कि कैलाश के अन्य जीव भी कांप गए हैं। फिर भगवान शिव पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के गर्भ को चूर चूर कर रहे हैं। शिल्पकारों ने ऐसी शिल्पकारी करी है मानो पत्थर की मूर्तियों में भी जान आ गया है। एलोरा की गुफाओं का ये वैभव भारतीय मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। एलोरा की गुफाओं में इतना आकर्षण है कि यहाँ आने वाले सभी पर्यटक इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसकी सुंदरता देखकर उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता। बौद्ध तथा जैन भिक्षु हमेशा यहाँ देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त देशी विदेशी पर्यटकों की भी यहाँ पूरे साल चहल पहल रहती है। ये गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी के दौरान अच्छी और ठंडे मौसम होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट है औरंगाबाद एयरपोर्ट। यहाँ से एलोरा की गुफाओं की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप किसी भी बस या टैक्सी की मदद से गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कैलाश मंदिर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन मुंबई और पुणे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जलगांव रेलवे स्टेशन एलोरा के सबसे निकटतम स्टेशन है।
उम्मीद करती हूँ एलोरा की गुफाओं में मौजूद कैलाश मंदिर की ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक के साथ साथ ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you.